माँ की आवाज। माँ हमें परीलोक बुला रही है, हमें तुरंत जाना होगा, चलो जल्दी। लेकिन रानी परी, पृथ्वीलोक पर तो कोई ऐसे झटके महसूस नहीं किए गए और ना ही कोई ऐसी घटना घटी जिससे हमें संकेत मिले कि पृथ्वीलोक पर कोई खतरा है। बालवीर, मुझे लगता है कि खतरा चेतावनी यंत्र में बहुत बड़ी खराबी आ गई, इसलिए अब उसके रीडिंग्स पर भरोसा करना सही नहीं होगा। बालवीर, परियों, न जाने हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे आसपास कोई संकट मंडरा रहा है जिसे हम सब नहीं देख पा रहे हैं। बालवीर, समझ में नहीं आ रही बात सकी कि आपने इस चट्टान को डुबा डुबा एक पर गिरने से क्यों नहीं रोका। रोकना तो दूर की बात है, बात सकी ने इसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। ये सब क्या हो रहा है बात सकी? बालवीर, शांत हो जाइए। कभी कभी ऐसे अचानक आए संकट में दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता है। बाल सखी एक वीर योद्धा है और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्द वो ये सब सीख जाएंगी। बालवीर, इस समय ये जानना आवश्यक नहीं है कि बाल सखी ने उस चट्टान को रोका क्यों नहीं, लेकिन बालवीर, इस समय हमें ये पता लगाना होगा कि उस खतरा चेतावनी यंत्र ने खराब होने से पहले क्या संकेत दिया था। बालवीर, परियों, हम परीलोक के पुस्तकालय में जाएंगे, वहाँ बहुत सी पुस्तकें हैं जहाँ हमें इस यंत्र की सूचना के बारे में जानकारी मिल सकती है। और बाल सखी, आप हमारे साथ चलिए। जी रानी पर।
हंस रहे हैं? हंस नहीं रहा, मैं खास रहा हूँ। अच्छा है, अच्छा है, मेरा गुस्सा कंट्रोल हो गया, कंट्रोल, कंट्रोल। देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा था, सर का गुस्सा एंटरटेनमेंट देखते ही कम हो जाता है। हाँ, मैं ठीक हो गया। लेकिन अगर तुम दोनों में से किसी ने भी पुलिस को बताने की जरूरत की तो मुझे फिर से गुस्सा आ जाएगा। और गुस्सा आ जाएगा तो आप मेरा मर्डर कर दोगे। नहीं नहीं, हम लोग घर से बाहर जाएंगे ही नहीं। हम लोग पुलिस को बता देंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये पूरा वाक्य है। और देखो ना, अभी मेरी उम्र क्या है, कितना छोटा हूँ, मुझे तो अभी बहुत जीना है, मेरी काफी सारी इच्छाएं वो पूरी करनी है, मुझे विदेश जाके वहाँ की मिठाइयाँ खानी है। मिठाइयाँ? आपको मिठाई की पड़ी है, यहाँ हमारी पिटाई हो रही है। तेरी क्या इच्छा है? मेरी? हाँ। बता दे, बता दे। ओ जी, मेरी इच्छा ये है कि और मुझे अभी 20-25 नौकरियां चेंज करनी है। आप जब अटकते हैं तो आपको छुड़ाना है, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है। ए, चुप कर, बंद कर तेरा फैमिली ड्रामा, और जल्दी से जाके मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ, जल्दी जाओ। वैसे मुझे भी बहुत भूख लगी, इसे भी भूख लगी है, इसे भी खिलाओ। तरबूज चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। नहीं, आपको तो चलेगा, लेकिन आपके साथ दो जन है उनको चलेगा। चले, मुझे भी चले, इसे भी चलेगा, जाओ जाके लेके आओ, जाओ। अरे जाओ जाओ, सखी आप वहां ऊपर क्या देख रही थी? कुछ नहीं रानी परी, चलिए ना पुस्तकालय चलते हैं। जी बाल सखी, चल। गया हमें कोई बचाने के लिए। hey! कौन आया है बेल बजाने के लिए? hey, देख बाहर जो कोई भी है उसको बाहर के बाहर भगा दे, उसको अंदर आने मत देना। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी बाहर वाले को बताने की कोशिश की कि मैं यहाँ अंदर हूँ तो इस तरबूजे की जगह तुम दोनों का पेट हो सकता है। मेरा पेट तो छोटा है, इसका ही होगा। इनको क्यों, इनका पेट क्यों नहीं? ए, मजाक बंद कर, मुझे फिर से गुस्सा आ रहा है। देख, मुझे गुस्सा मत दिला। कंट्रोल सर, कंट्रोल, कंट्रोल, शांत शांत। आप एक काम कीजिए, आप फ्रिज के पीछे जाके छुप जाइए। ए, सुना इसने क्या कहा? मैं फ्रिज के पीछे छुप रहा हूँ, तुम जाके दरवाजा खोलो, जाओ। अच्छा है, कंट्रोल। चलिए 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 चलिए, आइए चीज के साथ। अच्छा हुआ आप आ गए। क्या, मैं ड्यूटी पर हूँ, ये खेलने का वक्त नहीं है। शाम को आप ड्यूटी पे है ना, आप तलाशी लेने आए। लो लो तलाशी, लो लो तलाशी। हाँ, तलाशी क्यों? अरे भाई, मैं तो यहाँ एक बहुत खतरनाक साइको किलर की फोटो दिखाने लाया हूँ आपको।
आपने इसे कहीं देखा है? इस अपराधी का नाम है खूंखार। देखा है? वो तो यही ये किचन में से मैं सोफा पे चल के आया, वहां बैठा और यहीं से मैंने टीवी में इसे देखा। अब मैं यहाँ आया हूँ तो तलाशी तो लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि ड्यूटी इज ड्यूटी। बाल सखी, पुस्तकालय के अंदर हम अकेले ही जाएंगे। आप यहाँ खड़े होकर पहरा देंगे, क्योंकि इस पुस्तकालय में कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें बहुत ही खतरनाक बुरी शक्तियों को कैद करने की गुप्त जानकारी है, और अगर वो जानकारी किसी बुरी शक्ति के हाथ लग गई तो वो बाकी शक्तियों को आजाद करवा सकती है। इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना होगा। आप निश्चिंत होकर जाइए रानी परी, मैं आज सब संभाल लूंगी। शुक्रिया बाल सखी। घर छान मारा लेकिन कुकार क्या उसका नाखून भी नहीं मिला। डोंट वरी, ड्यूटी इज ड्यूटी। गला सूख रहा है? हाँ तो लीजिए, फ्रिज में से ठंडा पानी बर्फ डाल के लीजिए। मैं ड्यूटी पर नहीं पीता। इंस्पेक्टर साहब, ये इतना बड़ा खूंखार सब्जियों के बीच में ऐसा कैसे होगा? डोंट टीच मी, मैं चलता हूँ। आपने फ्रिज के आसपास तो देखा ही नहीं। तुमने तो कहा कि उसके पीछे फिर गए। लेकिन देखो ना, थोड़ा देख लो। नो, मैं चिंता पर विश्वास करता हूँ। अभी मैं जाता हूँ और अगर खूंखार यहाँ आए या दिखाई दे तो फौरन मुझे फोन करना। क्या जरूरत थी बोलने की कि फ्रिज के पीछे कुछ नहीं है, फ्रिज के पीछे कुछ नहीं है? बाबूजी, मैं तो उनको क्यों दे रहा था? ताकि वो वहाँ फ्रिज के पास जाए और वो पकड़ा जाए। क्या पकड़ा जाए? उसने फ्रिज छोड़ के सारा घर छान मारा। सर पूछ रहे हैं, इंस्पेक्टर चला गया क्या? आ गए। अच्छा है, अब तुम भी जाओगे, नहीं बचोगे। अच्छा है। मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, मैं तो बचाने की कोशिश कर रहा था। बचाने की? ये बता के कि फ्रिज के पीछे क्या है, पीछे क्या है? तुझे दिखाओ क्या है फ्रिज के पीछे? मैं तो बचाने की कोशिश। क्या बचाएगा? तू मुझे बचाएगा? चल, मुझे गुस्सा आया फिर से, नाच के दिखा। Thank you.
हमें तो आने वाले संकट के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। हमें आने वाले संकट को जानने के लिए कोई दूसरा रास्ता ही निकालना। आप यहाँ क्यों आई हैं? हमने आपसे बाहर रुकने के लिए कहा था। वो रानी परी, आपको बाहर आने में इतनी देरी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि अंदर आके पूछ लूं कि आपको इतनी देरी क्यों हो रही है। और वैसे भी मैंने ये पुस्तकालय अंदर से कभी देखा नहीं था ना, इसलिए मैं वो अंदर। लेकिन ये जलने की बू कहाँ से आ रही? रानी परी, आपको पुस्तकों में कुछ मिला आने वाले संकटों का पता करने का कुछ उपाय? नहीं बाल सखी, अभी तो हमें कोई उपाय नहीं मिला है, लेकिन जल्द से जल्द हम इसके बारे में पता लगा कर ही रहेंगे। चलिए बाल सखी, अब हमें चलना होगा। रानी परी, आने वाले संकट की शुरुआत हो चुकी है, अब बस देखना ये है कि तुम्हें संकट के बारे में पहले पता चलता है या संकट खुद चल के तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।